ये ठंड कितनी प्रचंड है और ये जाड़ा कैसे जानलेवा होता जा रहा है, ये कानपुर के हालात से समझा जा सकता है। कानपुर में सर्दी से हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सर्दी से हार्ट अटैक के चलते 14 और लोगों की मौत हो गई है। कानपुर में एक हफ्ते में 98 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्दियां इतनी तेज हैं और इतनी खतरनाक है कि हार्ट अटैक से पिछले एक हफ्ते में 98 लोगों की मौत हो चुकी है। अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, इस खबर को देंगे विस्तार। अजय दुबे, ठंड के मौसम में लगातार हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी है। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली कितनी बेहाल है। लखनऊ का अपडेट बताइए, खास इस खबर पर भी अपडेट दीजिए। देखिए, पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का असर है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जा रहा है न्यूनतम तापमान, और असर इसका साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो गंगा के तट के आसपास के शहर हैं वहां ठंड बेहद ज्यादा है। कानपुर, जो खबर की हम बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक का जिक्र कर रहे हैं कि तो ये 98 का आंकड़ा है, 100 के नजदीक का आंकड़ा, ये वो आंकड़ा है जो लोग अस्पताल के लिए जाते हैं, जो अस्पताल जाते समय जिनकी रास्ते में मौत हो जा रही है या अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जा रही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक बिस्तर पे ही मौत हो जाती है, तो परिवार वाले अस्पताल तक लेके नहीं जाते हैं। तो निश्चित ही ठंड के चलते हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। तमाम जो कहानियां हमने कानपुर से की उसमें समझ में ये आ रहा है कि ठंड के चलते जो बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं और हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, उनके लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। जो पेशेंट हैं उनको डॉक्टरों ने प्रिकॉशंस बोला हुआ है, उनको घर से निकलने से मना किया हुआ है, गर्म पानी की थैली से अपने हार्ट को रगड़ने के लिए कहा है और दूसरे उपाय करने के लिए कहे। तो शीतलहर का असर पूरे उत्तर भारत में है और खासतौर पर गंगा के तटीय आसपास जितने शहर हैं उन शहरों में जो भय है ठंड का वो देखने को ज्यादा मिल रहा है। अजय, एक छोटा सा सवाल ये था कि जो मरने वाले लोगों की उम्र है वो क्या, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जो एज ग्रुप है जिसको ज्यादातर लोगों की उम्र 50 साल के ऊपर की बताई जा रही है और उनमें भी जो कोमोर्बिडिटी है जैसे कि जिनको हार्ट डिजीज है, बीपी का प्रॉब्लम है, 30-35 के आसपास। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रचंड ठंड की बात एक बार फिर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि शीतलहर का कहर कैसे जारी है और कोहरे का सितम कैसे कायम है। 6 तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाते हैं, मैदानी राज्यों की और पहाड़ी राज्यों में। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में ठंड पड़ रही है। पटना से जुड़े हैं हमारे संवाददाता शशांक। शशांक बताइए, क्या है बिहार का हाल, पटना में कैसी है सर्दी? देखिए, पटना में भी कड़ाके की ठंड है। जो औसत न्यूनतम तापमान है वो 6 से 8 डिग्री के बीच झूल रहा है और अगले 72 घंटे में तापमान जो है 6 डिग्री से भी नीचे आएगा। तो इसको देखते हुए जो सभी स्कूल हैं वो 14 तारीख तक जो है वो बंद रहेंगे और कोहरे की मार भी लोग झेल रहे हैं। ट्रेन 1 से 3 घंटे की देरी से चल रही है। जो पहली फ्लाइट है वो 9 बजे के बाद पटना आ रही है और 10 बजे के आसपास यहां से फ्लाइट जो है वो दूसरे राज्यों के लिए जा रही है। तो जनता को बहुत ज्यादा यहाँ दिक्कत हो रही है, बेवजह लोग घर से निकल भी नहीं रहे हैं। अभी जो टेम्परेचर करीब जो है अभी भी 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो 3 दिन के बाद इसको और नीचे आना है ऐसा जो है बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। तो ये 5 डिग्री के आसपास रहेगा और फॉग भी काफी है। तो पटना की, खासकर पूरे बिहार की अभी यही स्थिति बनी हुई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।